हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू माय यूट्यूब फैमिली। आइए गर्मा गर्म चाय पीते हैं और 2021 का आखिरी सनसेट देखते हैं इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, सो हियर वी आर। ऐसी बस कुछ हिल टॉप कैफे, नाम इसका हिल टॉप नहीं है बट हिल किसी हिल के टॉप पे है और जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। अच्छे से क्लियर देख नहीं रहा है शायद कैमरा में, और वहाँ पे आज हम सनसेट देखेंगे। एकदम सामने सन है, वहाँ पे हम सन सेट देख कर जाएंगे। और ये बहुत अच्छी ग्रीनरी, एकदम मस्त जगह है। चलो चलते हैं आगे। ये भी एक पॉइंट है, यहाँ से बहुत अच्छा सन दिखेगा, सनसेट दिखेगा। और वहाँ पे एक समुंदर, वहाँ पे एकदम सामने समुंदर भी है। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है फोन में बट आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। और ये है कैफे जहाँ पे हम बैठेंगे, कुछ पिज़्ज़ा खाएंगे या कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी पियेंगे। सब कुछ चाइनीज़ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, कॉफ़ी ज़रूर समझ आ रही है। कॉफ़ी शॉप कौन सी वे, इधर जाना है। आ जाओ आ जाओ। कॉफ़ी, टी, फ्रूट जूस, डीप फ्राइंग पिज़्ज़ा, ये सब मिलता है यहाँ पे। आ जाओ, वेज भी होगा। कैट 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 गई। हाय, ओके, क्यू आर कोड न्यू मेयो सूद पिज़्ज़ा वा सूद मेयो सूद मेयो सूद ओके सूद पिज़्ज़ा। मैंने उनको पूछा अगर यहाँ पे वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है, बट है नहीं। जैसे देख सकते हैं हवाइन बेकन मशरूम एंड क्लैम पेस्टो पिज़्ज़ा है, और कोई पिज़्ज़ा नहीं है। बाकी स्मूदीज हैं, फ्रेश जूस, टी, कॉफ़ी। टी कॉफ़ी तो यार घर पे ही ले लेते हैं, जूस नहीं पीना मेरे को। टोस्ट है, आई डोंट नो, मम्मा खाएंगे। पूछने दो मम्मा से क्या कहते हैं वो। चलो मम्मी से पूछने चलते हैं। वेज पिज़्ज़ा नहीं है। ये बहुत अच्छा व्यू है, इसका फोटो शायद मेरे फ़ोन में अच्छे से आ जाए। सही है, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ये एक्चुअली ट्रेल है, 1760 मीटर आगे है। खुद भी कुछ देख लूँ मैं क्या है यहाँ पे। देखिए कैसा रास्ता है, मेरे को बहुत मज़ा आता है ऐसे रास्तों पे चलने में। सीधे रास्तों पे तो सभी चलते हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा रास्ता भी आजमाना चाहिए, मतलब रफ रोड्स। पीपल आर कमिंग एंड गोइंग। चलो और आगे नहीं जाना है मेरे को, वापस चलते हैं। मेरे को तो बस ये ग्रीनरी पसंद है, मस्त मज़ा आ जाता है। फ्रेश हवा, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर। और ये हूँ मैं। सो आई थिंक टुडे विल हैव डिनर आउटसाइड।
मम्मा और मैं बाहर डिनर करेंगे। एक्चुअली हमने जाना कहीं और था बट प्लान थोड़ा चेंज हो गया, तो ये किसी ने मेरे को नया कैफ़े भेजा था, लोकेशन भेजी थी, तो मुझको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ नया देखने का, चाहे और स्पेशली जब वो ऐसे सराउंडेड बाय ग्रीनरी हो, ट्रीज हो, एक जंगल के बीच ऊपर हिल पे छोटा सा कैफ़े बनाओ। बड़े बड़े कैफ़े खैर मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते जितने मेरे को छोटे कैफ़ेस अच्छे लगते हैं, एक्सप्लोर करना उनको, वहाँ पे क्या क्या मिलता है वो एक्सप्लोर करना। हालांकि यहाँ पे कुछ इतने सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं हैं, बट फिर भी मुझको पसंद है नई नई जगह देखना और एक्सप्लोर करना। और इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा, मतलब धूप लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम एक्चुअली में कैफ़े के अंदर आ चुके हैं और हमने चाय, कॉफ़ी एंड टोस्ट ऑर्डर किया है। और ये कैफ़े है, इस कैफ़े में बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। यहाँ पे ताइवान में ना हर एक कैफ़े में आप जाओगे कम से कम एक दो बिल्लियाँ तो आपको ज़रूर मिलेंगी। देखो एक 10 बिल्लियाँ तो मैंने यहाँ पे देख ही ली हैं कम से कम। वो देखो क्या कर रही है, क्या खा रही है, ये कुछ खा रही है, छिपकली नहीं फ्रॉग। देखो इसने ही क्या खा रही है, ये कुछ शायद कुछ रेप्टाइल है, शायद छिपकली है। खा ले आराम से। अरे ये देखो और बिल्लियाँ, देखो कितनी सारी बिल्लियाँ। चलो आपको कैफे का टूर देते हैं। वहाँ से हम एंटर किए और वहाँ पे हम ऑर्डर किए और ये एक लेजर टाइम कुछ है ऊपर जाके, बट सब चाइनीज़ में, मेरे को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, बट ये सही लग रहा है, छोटी सी जगह पर जाके क्या है। ओह ऊपर भी है कुछ, चलिए वापस बाकी का और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। पुश वॉशरूम। अच्छा बस यहाँ पे अब वॉशरूम है और यहाँ पे भी ऊपर कुछ ऊपर हुई है बैठने को, काफ़ी जगह है यहाँ पे, वाह जहाँ मन करे जाके बैठ जाओ। चलो ये भी देख लेते हैं, अब छोड़ना क्यों है जब आ ही गए हैं तो। शायद यहाँ पे कोई आके बैठता नहीं है।